तो हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले कि हम मेंबरशिप किस तरह से जो है इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है मेंबरशिप के ऊपर। ओके, जैसे आप मेंबरशिप के ऊपर जाते हो तो आपको एक बटन दिखेगा, या करना एक्सप्लोर नेक्स्ट स्टेप। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसके अंदर आपको जो है कुछ इस तरह से जो है पूरा जो है फिलअप करना है। ओके, तो और डाटा सजेस्ट द फिगनीफाई एंड द फिगर द नेसेसरी कन्वर्ट योर व्यूअर्स एंड मेंबरशिप। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको नीचे आना है और स्टार्ट जो बटन इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर दे तो आपको चीज़ यहाँ पर एग्जांपल दिखाई देंगे। ओके, एग्जांपल में आपको दिखा दूँ कि लेवल आप देख सकते हो, 3 लेवल्स होती है, उसके बाद 1 लेवल है। ओके, उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो इसके अंदर आपको अलग सी जो लेवल दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लेवल 1 हो गई, 3 लेवल्स हो गई। उसके बाद अगर आपको नीचे बता दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ आपको जो है इंफॉर्मेशन वीडियो दिखाई गई है। ओके, उसके बाद होता है 3 लेवल्स। इस तरह से आप 3 लेवल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके, उसके साथ आप 4 लेवल भी बना सकते हैं। अगर आपको 4 लेवल बनाना है तो इस तरह से आप लेवल 1, 2, लेवल 3, लेवल 4 बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आप कस्टम भी बना सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये बनाना होता है। ओके, तो उसके बाद आपको जो है 3 लेवल, तो मैं 3 लेवल बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलो मैं इसको जो है सेट करता हूँ। ओके, सेट करने के लिए आप देख सकते हो नेक्स्ट का बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लेवल आ चुकी है। तो आपको सबको बारी बारी से जो है एडिट करना है। तो मैं सबसे पहले लेवल 1 को एडिट करता हूँ। उसके बाद आप जो है लेवल 1 को जो है अलग से जो है नेम दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेवल 1 को नेम देता हूँ सिल्वर। ओके, तो इसका नेम सिल्वर देता है। जैसे पैकेज तैयार करते हैं वैसे आपको पैकेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने सिल्वर दे दिया। ओके, उसके बाद आप जो है नीचे आते हो तो यहाँ पर देखते हो मैंने डन कर दिया। ओके, डन करने के बाद आपको आगे आना है, फिर से आप सेकंड जो है उसे आपको एडिट करना है। ओके, इसके एडिट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको एक नेम दे देना है। तो मैं सेकंड वाले को नेम देता हूँ गोल्ड वाला। ओके, जैसे मैं गोल्ड नेम दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, उसके साथ साथ अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो एडली एसेस न्यू वीडियो, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है इस पैकेज के अंदर। ओके, तो इतने सारे यहाँ पर जो है सर्विसेज दिखाई गई है। यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो आपको जो रखना है आप रख सकते हो, जो नहीं रखना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसके जो आप अपने प्राइस है 299 रखा है। ओके, इसके अंदर आपको अर्ली नहीं रखना, तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो। ओके, तो जो मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से उसे डिलीट करता हूँ बहुत ही आसानी से। आपको डिलीट के आइकॉन पे क्लिक करना है, ये डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से मैंने 4 सर्विसेज इस 299 में रखा है। ओके, जो फोटो एंड स्टेटस, एक्चुअली मेंबर ओनली और मेंबरशिप ओनली। ओके, उसके बाद मैं डन कर देता हूँ। ये मेरी 2 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैं अगर तीसरा लेवल लेता हूँ तो मैं लेता हूँ डायमंड लेवल। ओके, डायमंड लेवल पर क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। ओके, इस प्लान का जो प्राइस है 1999 है, उसका डायमंड में नेम दे देता हूँ। ओके, नीचे आप देख सकते हो प्राइस दे दी। इसके अंदर 2 महीने सर्विसेज रखी है, कनेक्टिंग और सोशल मीडिया और पार्किंग। इसके बाद आप जो है इसे एडिट भी कर सकते हो। आपको अलग नाम देना हो तो आप अलग भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको कस्टम करना हो तो आप कस्टम भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से मुझे अलग सा एक कॉल ऑफ डायमंड का जो है फीचर ऐड करना है सर्विस, तो मैं इसे डाल देता हूँ। ओके, पर डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो, मैं वो एक कॉपी करके डाल देता हूँ। उसके बाद इसे ऐड पर करता हूँ। जैसे ऐड करोगे तो आप देख सकते हो मेरे इसके अंदर जो है अलग सी सर्विस ऐड हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है मिनिमाइज़ कर। ओके, तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो मिनिमाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कॉल ऑफ डायमंड्स, ये जो है मेरी सर्विस ऐड हो चुकी है इसके अंदर। ओके, उसके साथ अगर आपको और करना हो तो यहाँ से आप इसलिए कर सकते हो। तो ओके, इस तरह से मैं और क्या ऐड करता तो लाइव फोटो एंड स्टेटस अपडेट। ओके, या फिर सिर्फ लाइव में डालता हूँ तो यहाँ से जो मैं ऐड करता हूँ लाइव का। ओके, यहाँ से आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको जो जी चाहे आप डाल सकते हो। तो मैं जो लाइव का जो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है। ओके, तो मैं इसे कार्ड का जो लाइव का ऑप्शन है यहाँ से आप देख सकते हो गलती से ये आ गया, तो मैं आपको लाइव का यहाँ से ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ जो लाइव सेक्शन है। ओके, उसके ऊपर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेंबर ओनली लाइव है, तो सिर्फ मेंबर को ही मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, इस तरह से इसका जो अर्थ होता है। ओके, तो यहाँ से इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं अर्ड पर करूँगा तो इसके नीचे और ऐड होगी, लेकिन मुझे अर्ड ऐड नहीं करना है और इतने में सर्विस देने वाला हो तो मैं इसे डन कर देता हूँ। ओके, डन करने के बाद आप देख सकते हो मेरे 3 ही लेवल कंप्लीट हो गए, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। ओके, उसके बाद अगर आपको और ऐड करना तो नीचे ऐड लेवल है,
ओके, इस तरह से इतनी तीन सर्विस बन चुकी है। इसमें मेन सर्विसेज ऐड करती है, 299 का है, ओके 89 का है, 199, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आ गए हैं। ओके तो आपको इसे कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है इस पर एडिट पर क्लिक करना है। ओके एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको पर मेरे वर्क ज़्यादा ऐड हो गए तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। ओके इस तरह से डिलीट कर दिया मैंने। ओके उसके बाद मैं जो है नेक्स्ट करता हूँ। इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेंगे कि मेरे जो कस्टमर वाले दूसरी स्टेप जो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने सिल्वर गोल्ड और डायमंड जो है सर्विसेज बना लिया, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और चेक पे। ओके उसके बाद देख लो यहाँ पर मैंने जो पैकेज बना लिए हैं। ओके इस तरह से मैंने जो पैकेज बना लिए उसके बाद मुझे सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है। ओके जैसे मैं सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करता हूँ तो जो नेक्स्ट लेवल है वो आ जाएगी। ओके तो आप देख सकते हो जाके मैंने यहाँ पर सबसे जो है सर्विसेज के अंदर सबको डाल दिया। ओके तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक चेकबॉक्स पे क्लिक करने के लिए कहेगा। ओके तो फिर से मैं बैक आकर देखता हूँ एक बार कैंसिल कर क्या कुछ रहत नहीं गया। ओके ओके उसके बाद मैं टिक कर देता हूँ, फिर से सबमिट पे रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ओके उसके बाद मैं फिर से टिक करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ओके सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से मेरी जो है ये जो है रिव्यू में चली गई। ओके उसके बाद मैं अगले स्टार्ट करता हूँ, अगला जो लेवल है उसे क्लिक करता हूँ, आई म्यूजिक का। ओके इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, अपलोड करने का और एक जेनरिक जो डिफॉल्ट आता है यूट्यूब की तरफ से। ओके तो यहाँ पर आप जो है अपलोड पर क्लिक कर जो इमेज भी क्लिक कर आप जो अपने ओन जो है आप कस्टम भी बना सकते हैं इमेजेस यहाँ पर जो भी आपको चाहिए। ओके तो मैं कुछ कस्टम नहीं बनाना चाहूँगा, मैं यूट्यूब का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यूज़ फॉर जेनरिक पे क्लिक करता हूँ। ओके और इस तरह से नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ यहाँ से आपको इस तरह से लोड लेगा, और लोड लेने के बाद मैं सेव कर देता हूँ। ओके सेव करने के बाद आप देख सकते हो ये भी मेरी लेवल कंप्लीट हो गई, डन की आप देख सकते हो। ओके उसके बाद अनाउंस योर मेंबरशिप, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ अनाउंसमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो। अनाउंसमेंट योर मेंबरशिप विद वीडियो। ओके उसके बाद मेंशन मेंबरशिप योर वीडियो और लाइव स्ट्रीम में आप कर सकते हो, मेंबरशिप आपको दे सकते हो लोगों को। उसके बाद प्रमोट इज सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर कर सकते हो और आप जो है कर सकते हो। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपकी ये भी जो स्टेप है कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हो डन यहाँ पर लिखा आ चुका है। ओके इस तरह से। ओके उसके बाद नीचे आप दे सकते हो पोस्ट टू वेलकम न्यू मेंबर्स। ओके तो आप आपके मेंबर के लिए जो न्यू पोस्ट लिख सकते हैं या फिर उसकी इमेज बना सकते हैं। तो मैं ग्रेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। मैं क्रिएट कम्युनिटी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो कुछ लोड होगा। ओके आप सीधा कम्युनिटी पोस्ट पर यहाँ पर चले जाएंगे। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, तो आप इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने इमेज बनाई होगी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी इमेज आपने बनाई, इस तरह से आपने यहाँ पर इसे पोस्ट कर दी। ओके इसके ऊपर आपको उससे भी हेडिंग लिख देना है कि जो भी आपके मेम्बर्स आएंगे उनके लिए, तो मैं थैंक यू लिख देता हूँ जो भी मेरे मेंबर्स लेंगे उनकी जो मेंबरशिप लेंगे उनके लिए। ओके तो थैंक यू और ये जो इमेज उनके लिए दिख जाएगी इस तरह से उनके जो दिखाई देगी। ओके तो इसे मैं पोस्ट कर देता हूँ। ओके पोस्ट करने के बाद आप देख सकोगे कि यहाँ पर सिर्फ मेंबर ओनली लिखा है, सिर्फ मेरे जो मेंबर से उन्हीं को ये पोस्ट दिखाई देगी, जो भी मेरे मेंबरशिप लेंगे उसे जो ये दिखाई देगी। ओके इस तरह से। ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है किस तरह से ये जो है पूरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाटा पूरा 100% ओके होना चाहिए, तो मेरा जो है 92 कंप्लीट हो चुका है। ओके इस तरह से ये जो है आपको पूरा फुलफिल कर देना है। ओके इस तरह से मैंने जो है पूरी स्टेप कंप्लीट करी। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एक जो है इन रिव्यू है, जैसे ये इन रिव्यू में से रिव्यू हो जाएगा ओके तो ये जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने पूरे स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके तो इस तरह से आपको जो है आसानी से मैंने पूरे स्टेप कंप्लीट कर बता दिए। ओके तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।